कर्मा पिते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीयः सदा हरिः नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः श्रीराम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री बलभद्र महाप्रभु की भगवती सुभद्रा देवी की हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे ये नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय तुमके चलत रामचंद्र बाजत पंजनिया तुमके चलत रामचंद्र बाजत पंजनिया तुमके चलत रामचंद्र बाजत पंजनिया। सुनाना भाई कल सुनाना याद कर। तुलसीदास जी का है पूरा याद कर देना। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय भी साथ ही प्रहराद उवाच दूसरा श्लोक पितरि प्रस्थिते स्माकं तपसे मंदराचलम् युद्धोद्यमं परं चक्रुर्विबुधा दानवान् प्रति पिपीडकैरहिरव दृष्ट्या लोकोपतापनः पापेन पापो भक्षित वादिनो वासवादयः तेषामतिबलोद्योगं निशम्यासुरयूथपा वध्यमाना सुरैर्भीता दुद्रुवुः सर्वतो दिशम्।
कलत्र पुत्र मित्रात्तान गृहान पशु परिच्छदान नावेक्षमाणास्त्वरिता सर्वे प्राण परिप्सवः व्यलुम्पन् राजशिबिर मम राजयकांक्षिणः इन्द्रस्तु राजमहिषीं मातरं मम चागृहीत। नारायण भक्त प्रवर प्रहलाद ने अपने सहपाठियों को एक अद्भुत तथ्य सुनाया। प्रहलाद जी ने कहा था, जिस ज्ञान विज्ञान का मैंने आप सहपाठियों को उपदेश किया, देवर्षि नारद के मुखारविंद से मैंने उसे श्रवण किया था। प्रहलाद जी की आयु 5-6 वर्षों की थी, उनके सहपाठियों की आयु भी 5-6 वर्ष की ही थी। आरंभ से ही हिरण्यकश्यपु के द्वारा संचालित विद्यापीठ में अपने सहपाठियों के सहित भक्त प्रवर प्रहलाद विद्या अध्ययन कर रहे थे। साम दान दंड भेद से समन्वित त्रिवर्ग की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। षंडामर्क महोदय शुक्राचार्य के पुत्र उनके अध्यापक थे। सहपाठियों को आश्चर्य हुआ, हमारे गुरु तो एकमात्र षंडामर्क जी हैं, अतिरिक्त गुरु को न हम जानते न प्रहलाद। आयु भी हम लोगों की 5-6 वर्षों से अधिक नहीं है। देवर्षि नारद तो बहुत प्राचीन, उनका दर्शन भी अत्यंत दुर्लभ। ऐसी स्थिति में भक्त प्रवर प्रहलाद जो कि सत्यवासी हैं, उन्हें देवर्षि नारद से यह उपदेश कैसे प्राप्त हुआ। श्रीमद् भगवद गीता में भी अर्जुन को भगवान ने एक ऐसा उपदेश दिया कि अर्जुन चकित हो गए। भगवान ने कहा, जिस योग का मैंने तुम्हें उपदेश किया है, सृष्टि के प्रारंभ में मैंने उसे सूर्य को दिया, वर्षा हो रही है, विवस्वते योगम प्रोक्त, तो मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। अर्जुन यद्यपि नर ऋषि के अवतार थे, इस रहस्य को जानते थे कि भगवान साक्षात श्रीमन नारायण के अवतार हैं, परंतु उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। भगवान श्री कृष्ण की आयु का पता है, भगवान भुवन भास्कर का प्रादुर्भाव तो कल्प के प्रारंभ में हुआ, श्री कृष्ण विग्रह से तो उन्होंने उपदेश नहीं किया होगा, तो ये हैं कौन। अर्जुन ने तत्काल जिज्ञासा व्यक्त कर दी। यहाँ दूसरे प्रकार से आश्चर्य की बात है कि प्रहलाद की आयु 5-6 वर्ष की है। स्वयं कह रहे कि प्रहलाद ने कहा है कि मुझे यह ज्ञान देवर्षि नारद से प्राप्त हुआ।
इस जन्म में प्राप्त हुआ, आश्चर्य की बात है। कब प्राप्त हुआ यह पूछ लेने की आवश्यकता है। प्रहलाद झूठ नहीं बोलते, लेकिन रहस्ययुक्त वचन को समझने की उत्सुकता तो होती ही है, इसलिए कहा। वक्ता प्रवर प्रहलाद ने कुछ मुस्कुराते हुए अपने भावों को व्यक्त किया। स्मयमान का ठहाका मारकर नहीं, मुस्कुराकर। जहाँ तक हो भद्र पुरुष मुस्कान तक सीमित रहते हैं, ठहाका कम ही मारते हैं। हंसी मजाक वाले बहुत जोर से ठहाका मार मार के हंसते हैं। अभिनय में भी जब कंस और रावण के हंसने का अनुकरण किया जाता है तो विचित्र ढंग से वो लोग अट्टहास करते हैं। हाँ, क्षत्रियोचित शूरता वीरता व्यक्त करने की स्थिति में युद्ध के मोर्चे पर उस प्रकार के अट्टहास की शोभा भी है। अभिनेता भी अट्टहास करते हैं, लेकिन सामान्य मर्यादा ये है, सात्विक बनी सी मुस्कान तक सीमित रहते हैं। नारायण समर्थ रामदास के द्वारा विरचित उपदिष्ट ग्रंथ दास बोध है। पठित मूर्ख के लक्षणों का उसमें वर्णन है। पठित मूर्ख, पढ़ा हुआ हो लेकिन मूर्ख हो, अपनी बात कह के स्वयं हंसे, उसका नाम है पठित मूर्ख। जीवन में नीति और अध्यात्म समन्वित भाव का संचार हो, इसलिए दास बोध का अध्ययन बहुत आवश्यक है। मराठी में तो मूल ग्रंथ है, हिंदी में वर्षों पहले अनुवाद हो चुका दासबोध। दासबोध में बहुत बढ़िया, दिखना कैसे चाहिए, कीर्तन कैसे करना चाहिए, बोलना कैसे चाहिए, साधक सिद्ध मुमुक्षु बद्ध इन सब के लक्षण क्या हैं, जीवन में नीति निपुणता अध्यात्म निष्ठा की अभिव्यक्ति के लिए समर्थ रामदास जी ने जो शिवाजी को उपदेश दिया उसी का निरूपण दासबोध नामक ग्रंथ में है। कम से कम मराठी ना आवे तो हिंदी में उसका अनुवाद अवश्य पढ़ लेना चाहिए। मैंने कहा जो अपनी बात पर स्वयं हंसने लगता है वो अच्छा नहीं माना जाता। तो यहाँ पर कुछ मुस्कुराते हुए भक्त प्रवर प्रहलाद ने कहा, पितरि प्रस्थिते अस्माकं तपसे मंदराचलम युद्धोद्यमं परम चक्रुर्विबुधा दानवान प्रति। अस्माकं शब्द का प्रयोग किया है, प्रहलाद जी के और भी भाई थे, सब छोटे भाई ये थे लेकिन मेधा शक्ति में सबसे प्रबल थे। केवल उनकी गिनती करा दी गई, उनके नाम का वर्णन या चरित्र का वर्णन यहाँ नहीं किया गया। हमारे पिताजी जब तप करने चले गए कहाँ, मंदराचल पर, तब देवता इंद्रादि देवों ने सोचा कि इस समय दानवों का नेतृत्व किसी के हाथ में नहीं है, बहुत अच्छा अवसर है इस समय इन पर विजय प्राप्त करने के लिए उद्योग करना चाहिए। कल मैंने विस्तार पूर्वक कहा, सैनिक हो लेकिन सेनापति ना हो, सेनापति हो लेकिन राजा ना हो, राजा हो लेकिन राजगुरु ना हो, तो पराजय ही पराजय है। कई महीने पहले मैंने एक संकेत किया था, पांच पांडव सामान्य नहीं थे, पंचभूतों के अधिदैव के अवतार थे। धारणा धर्म, धर्म की सिद्धि वेदादि शास्त्रों के द्वारा होती है। वेदादि शास्त्र वाङ्मय हैं, वाक्य निष्पत्ति सामान्य रीति से
आकाश के द्वारा होती है। आकाश के अधिदैव धर्मराज युधिष्ठिर थे। आकाश के अधिदैव का अवतार ही धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा युधिष्ठिर के रूप में हुआ था। वायु के अधिदैव का अवतार भीमसेन के रूप में हुआ था। तेज के अधिदैव का अवतार अर्जुन के रूप में हुआ था। नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों के अवतार माने गए, जो कि जल और पृथ्वी के अधिदैव हैं। उन मातृशक्ति को नमस्कार जिन्होंने आकाश वायु तेज जल पृथ्वी के अधिदैव को भी अपना लाला बना लिया, गर्भ में धारण किया, पुत्र के रूप में अभिव्यक्त किया। यह सनातन संस्कृति है। जगत जननी को भी जन्म देने की क्षमता सनातन धर्मी दंपति में है। इसी प्रकार जगदीश्वर को भी जन्म देने की क्षमता सनातन दंपति में सन्निहित है। इसी प्रकार पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के अधिदैव को भी जन्म देने की क्षमता सनातन धर्म में आस्थान्वित सद्गृहस्थों में सन्निहित मान्य है। कारक कोटि के महापुरुष को योगा भ्रष्ट को भी जन्म देने की क्षमता सनातन संस्कृति में स्थानीय सद्गृहस्थों में सन्निहित मान्य है। इन राज्य देवताओं ने दानवों से युद्ध करने का उद्योग किया। कल मैंने विस्तार पूर्वक निरूपण किया कि जब तक जीवन है युद्ध तो है। हर व्यक्ति योद्धा है। संत महात्मा फिर दैवी संपत्ति को विकसित करते हैं। सत्वगुण की प्रगल्भता की दशा में शमदमादि का उद्रेक होता है, उसकी रक्षा करते हैं। रजोगुण तमोगुण की दशा में जो राक्षसी आसुरी राक्षसी प्रवृत्ति होती है उसका दमन करते हैं। बाहर से योद्धा न दिखने पर भी योद्धा होते हैं। जितम जगत के न मनो ही है ना, भगवान शंकराचार्य महाभाग ने प्रश्नोत्तरी के माध्यम से इस तथ्य को उद्भाषित किया कि जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली, जगत पर उसने विजय प्राप्त कर ही ली। जितम जगत के न मनो ही है ना। तो युद्ध तो है, युद्ध से कोई उपराम होना चाहे संभव नहीं। बाहर भी युद्ध होता ही है। कभी दैत्य प्रबल हो जाते हैं, दैत्य दानव धनुज ये सब के सब मातृ प्रधान नाम है। दिति की परंपरा में जिनका जन्म है वो दैत्य, धनु की परंपरा में जिनका जन्म है वो धनुज। इस प्रकार से तो हमने संकेत किया कि युद्ध तो है, युद्ध की एक मर्यादा है। जिससे युद्ध करना है, जिससे संभावित भय की प्राप्ति है, उसकी दुर्बलता का दर्शन कीजिए। जन्म मृत्यु से वैराग्य के लिए दुख दोषानुदर्शनम अपने जीवन में तब वैराग्य होगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। और बाहर अगर किसी से युद्ध करना है तो उसकी दुर्बलता का अंकन कीजिए, दुर्बल दशा में उस पर आघात कीजिए। युद्ध की मर्यादा है। तो हिरण्यकश्यप तप करने चले गए और राजा नायक तप करने चला गया। तो जब तक तप करेगा तब तक तो कम से कम देवता कल कुशल रह सकते हैं। हिरण्यकश्यप के चट्टे बट्टे दूत भूत तो तप करने गए नहीं थे, वो दुर्बल अपने आप हो गए। ददामि बुद्धि योगम तम की बात है, नायक ही तो बुद्धि प्रदान करता है। नायक जब चला गया तब कल मैंने कहा था कि व्यूह रचना, विविध प्रकार के व्यूह का वर्णन महाभारत में है। व्यवहार में सफलता के लिए भी व्यूह रचना का परिज्ञान आवश्यक है। जब अपने पास सैनिक कम हो और जिसे सामना है युद्ध करना है उसके पास सैनिक अधिक हों,
तब किस प्रकार व्यूह रचना करें तो हमारे सैनिकों की हमारी रक्षा हो सकती है। अगर मल्ल युद्ध है, द्वंद्व युद्ध है, केवल दो ही हैं आमने सामने, उस समय भी विचार करना पड़ता है कि बल के साथ कला अगर दोनों से भरपूर कोई है तो उसका पार पाना कठिन है। हम कुश्ती लड़ते थे बचपन में 10 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक, उसके बाद तो इधर का रंग खूब चढ़ा, इधर आ गए, 2-3 वर्ष प्रतीक्षा में रहे तो शरीर में बल तो कम था लेकिन दाव पेंच के बल पर अपने से 1.5 व्यक्ति को उठा के पटक देते थे 2 मिनट में। मल्ल युद्ध में हम बहुत निपुण माने जाते थे तो दाव के बल पर, लेकिन कभी कभी उससे पाला पड़ता आपस में मैत्री में ही, तो कुश्ती में तो होता ही है, कोई बाहर से शत्रुता नहीं, उससे जब पाला पड़ता जो दाव में भी निपुण और बल में भी निपुण बराबर या अधिक, तब एक संकट की स्थिति हो जाती है। क्या बल तो है, दाव पेंच कम जानता है, उस पर भी पराजय विजय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बल भी जिसके पास समान हो और दाव पेंच में भी समान हो एक, अब जो बल और दाव पेंच दोनों में अधिक हो उस पर विजय प्राप्त करना, तो युद्ध की ये विद्या है, मल्ल युद्ध। अभी स्थिति क्या है, इतने ऊंचे स्प्रिंगदार गद्दे पर पहलवान कुश्ती लड़ते हैं, कभी वो देश के हो सकते हैं? मिट्टी से ही प्रेम नहीं, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई कहा या नहीं, मिट्टी से प्रेम। अब बिस्तर पर जो बच्चे खेलते हैं इतनी मिट्टी न लग जाए, वो कभी राष्ट्र के काम आ सकते हैं क्या? मैंने देखा पहलवानों को, यहाँ लोग ले गए कुश्ती दिखने, इतने उतने ऊंचे गद्दे पर क्या पहलवान होंगे, वो तो फिर अपने क्या मित्रों को मारेंगे, गला घोटेंगे, डाका डालेंगे। मिट्टी से इतनी दूर स्वतंत्र भारत में रखा गया, विशेषकर ये 50 वर्षों की अवधि में, हम लोग ताल ठोक के कच्छा बांध के आते थे, मिट्टी अद्भुत मिट्टी, दिव्य मिट्टी से लिप्त शरीर रहता था, स्वस्थ रहता था। अब सेंट चाहिए, साबुन चाहिए, सेंट साबुन वाला छुई मुई होता है, उसके जीवन में कोई बल थोड़े होता है। मिट्टी से प्रेम, अब क्या है बिस्तर पर क्या डाल देते हैं, ऐसे ऐसे वो मिट्टी के विकल्प में बच्चे को पीलिया रोग ना हो जाए। पीलिया रोग तो नहीं होना है लेकिन टीबी का मरीज तो बन ही जाएगा, एक छींक मारने पर घर में भग जाएगा, इतना इतना मोटा व्यक्ति। एक छींक मारने पर घर में भग जाएगा। मिट्टी से प्रेम धर्म मनोविज्ञान है या नहीं? मिट्टी से प्रेम जो था वो लुप्त कर दिया गया। कुश्ती में क्या है, मिट्टी से प्रेम, कुश्ती भी करो तो कहाँ पर, कहाँ कुश्ती, गद्दे के ऊपर कई पहलवान हो सकता है, होगा भी तो वो क्या करेगा, वो बिस्तर का पहलवान होगा, रणभूमि में तो पहलवान हो ही नहीं सकता। इसलिए हमने कहा मंदराचल पर गए तप करने, इसका अर्थ है कि दैत्यों के जीवन में, असुरों के जीवन में भी कोई पराक्रम है तो तपस्या के बल पर, भले ही उनकी भावना रजोगुण तमोगुण के कारण दूषित, लेकिन जितने दिनों तक तप किया जाता है उतने दिनों तक दैवी संपत्ति का आलंबन ही लिया जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ, जिसके जीवन में सदा ही दैवी संपत्ति की प्रतिष्ठा है वो विजयी होगा, लेकिन जिसके जीवन में क्या है, तपस्या के दिनों में दैवी संपत्ति की प्रतिष्ठा है वो भी बल तो प्राप्त करेगा। तो दैवी संपत्ति के प्रति कई मुतिकर न्याय से आस्था हुई या नहीं, जब वो चला गया हिरण्यकश्यप तप करने, तप करने गया ना, आजकल तप करते हैं क्या, यदि इतने आतंकवादी गिने जाते तपस्वी थोड़े होते हैं, बम बारूद आदि के बल पर ये आतंकवादी होते, इनमें दमखम थोड़े होता, एक छींक मारो तो बस भाग जाए, कोई दमखम नहीं, तपस्या का बल तो है नहीं इनमें,
लुटेरे इनको माना जाना चाहिए, तपस्वी इनको थोड़े, तपस्या के बिना बल कैसे, चाहे कोई ब्रह्मा जी से प्राप्त करे, शिव जी से वरदान प्राप्त करे, तपस्या के द्वारा, देवाराधन के द्वारा जो बल की प्राप्ति होती है, चाहे कंस के पूर्व जीवन का वर्णन ले लें, तपस्या के द्वारा। ये सब भी कौन थे, कल मैंने बताया, सामान्य थोड़े थे ये, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष आखिर भगवान के पार्षद रहे थे, थोड़े से प्रमाद के कारण सनकादि का शाप मिल गया, तीन जन्मों तक ये असुर हुए। मूल में तो दैवी संपद संपन्नता ही इनके जीवन में थी, तो दैत्यों ने जब देखा कि हमारे नायक तपस्या करने चले गए, नायक विहीन हम हो गए, उस समय इंद्रादि देवों ने समझा कि अवसर है, अच्छा अवसर है युद्ध करने के लिए। मंदराचल पर्वत पर गए, तपस्थली वन में तप, वानप्रस्थ कहाँ रहते, वन में तपस्थली, जलाशय, नद नदी, समुद्र का तट, समुद्र हो, नद नदी हो, वन हो, पर्वत हो, ये सब के सब कौन है, तपस्थली, तपस्या के लिए उत्तम स्थल है। भोगराग की यहाँ पर न्यूनता होती है, यहीं पर तप होता है। जितेंद्र जी से बात हो रही थी तो हमें उन्होंने कहा कि यहाँ तो कोई उद्योग धंधा हो ही नहीं सकता, पूरी समुद्र देवता स्थित है ना, वारुणी, यहाँ बस नींद और लोहे लगकर लगाओ तो सबको समुद्र खा जाए। कल जितेंद्र जी परसों बता रहे थे कि जीविका के लिए अब होटल जो इनका बंद है 6 महीने से, 2 महीने तो समुद्र की कृपा से सब गलगला गए, 2 महीने तो मरम्मत करने में लगेंगे, लाखों रुपए मरम्मत करने में खर्च होंगे, फिर अगर कोरोना देवी की कृपा हुई चल बसी, तब जाकर यात्री, वो भी बंगाल से चलता है यहाँ, पूरी की जीविका। देखिए मैं संकेत करता हूँ, एक महात्मा भले रूखी रोटी पावे, वो सैकड़ों पीढ़ी तक करोड़ों व्यक्तियों की जीविका का मार्ग प्रशस्त कर जाते हैं। यार ध्यान गया या नहीं, चैतन्य महाप्रभु के कारण श्री जगन्नाथ जी के पास कौन रहते थे, उनका दर्शन करने में चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु के कारण बंगाल के व्यक्ति श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने आते हैं। पुरी की जीविका बस किनके हाथ में है, 3 प्रांत के व्यक्तियों के हाथ में, 70 से अधिक जीविका का स्रोत बंगाल के पर्यटक होते हैं, फिर कुछ हरियाणा, कुछ राजस्थान के पर्यटक होते हैं, इन्हीं से पुरी के व्यक्तियों की जीविका चलती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि चैतन्य महाप्रभु जब हुए तब हुए, फिर शंकराचार्य महाराज, चैतन्य महाप्रभु तो शंकराचार्य महाभाग की परंपरा के दंडी स्वामी थे ना, आज उनको किसी दूसरे रूप में प्रस्तुत किया गया है, वो तो भारती नामा दंडी स्वामी थे, चैतन्य भारती, भारती नामा दंडी स्वामी, 10 नामी सन्यासी थे, दंडी स्वामी थे चैतन्य महाप्रभु। हमने कहा एक महापुरुष आते हैं, सैकड़ों पीढ़ी के व्यक्तियों के लिए जीविका का स्रोत दे जाते हैं, बात सच्ची है। तो क्या सिद्ध हुआ, हमने कहा यह तपस्थली है, समुद्र देवता जो है पेट में तो वायु बढ़ा देते हैं, यहाँ भोजन कम करो तो जीवित रहो, भटपेट भोजन करो तो बस गैस के कारण बिस्तर पर रहो, मरो अपने आप, यहाँ कोई उद्योग धंधे चल ही नहीं सकते हैं। तपस्थली के रूप में भगवान ने पुरुषोत्तम क्षेत्र को उद्भाषित किया है, ये भोग भूमि है ही नहीं, भोग भूमि नहीं, तपस्थली है, स्वभाव से ही इसको तपस्थली के रूप में भगवान ने उद्भाषित किया। तो मंदराचल पर्वत तपस्थल, अब एक विचित्र बात है, जहाँ चाहिए ऋषिनकर वासा तहाँ निशाचर करें निवासा, पर्वत किसको बढ़िया लगते हैं, अत्यंत तमोगुणी जो रहते हैं, डाकू चोर ये सब कहाँ रहते हैं, पर्वत का आश्रय लेकर, चंबल के चंबल घाटी
क्या मतलब तपस्वी को भी आकृष्ट करने वाला वन पर्वत सागर ये सब है या नहीं? ऊपर जो सत्वगुणी है उनके आकर्षण का केंद्र कौन होता है? पर्वत होता है, वन होता है, सागर होता है, नद होता है, निर्झर होता है, और तमोगुणी को भी प्यारा होता है। बड़ी विकट बात है, तमोगुणियों के तमोगुण को जुआरी शराबी ये सब कहाँ निवास करना चाहते हैं? नाई अवश्य ही वन में रहना नहीं पसंद करेगा, वन के बाल बनाएगा क्या? माली तो रहेगा वन में, माली अगर वन में ना रहे तो जीविका चली गई, और नाई अगर वन में रहे तो वन की हजामत करेगा क्या? क्या करेगा? नाई की जीविका वन में नहीं, माली की जीविका भवन में नहीं। माली को तो वन चाहिए, वहाँ कैंची चलाता है वो, और नाई को चाहिए क्या चाहिए? दाढ़ी मोछे सब अमनिया करने के लिए। तो एक विचित्र बात है, अमनिया ही तो है ये दाढ़ी मोछ। क्या अर्थ हुआ? पर्वत दोनों के लिए प्यारा है, डाकू आदि भी छिपते कहाँ हैं? पर्वत का आश्रय लेकर। और संत महात्मा, एक विचित्र बात है, भूत प्रेत दैत्य असुर सर्प शेर ये जो तमोगुणी हैं उपद्रवी, वो सब कहाँ रहते हैं? तो सत्वगुणियों के सत्वगुण को और तमोगुणियों के तमोगुण को पुष्ट करते हैं पर्वत इत्यादि। अब किसके सत्वगुण को पुष्ट करें, किसके तमोगुण को पुष्ट करें, इसके लिए मनोविज्ञान चाहिए। सात्विक भावना होगी तो ये सत्वगुण को पुष्ट करेंगे। हम तो जंगल में बहुत रहे हैं, वन में भी रहे हैं, और गांव में जब रहते थे कोई मनुष्य कष्ट देता था, मेरा विचित्र मनोविज्ञान था, शेरों शेर बब्बर सर्प के बीच में रहो ये घातक नहीं हो सकते या कम हो सकते, मनुष्य बड़ा घातक है। बचपन से मेरा मनोविज्ञान ये रहा। कोई यातना देता था तो लगभग 1 किलोमीटर दूर बाग था आम का, वहाँ जाकर चुपके से चला जाता, फिर एक आंवले का पेड़ चुन रखा था उस पे जाके बैठ जाता चुपचाप 1 घंटे आधा घंटे। इसका मतलब, इसका अर्थ यही हुआ कि सात्विक व्यक्तियों के सत्वगुण को पुष्ट करता है पर्वत, और तमोगुणियों के तमोगुण को पुष्ट करता है पर्वत। और एक बीच में ले लीजिए, गंधर्ववादी कहाँ रहना पसंद करते हैं जी? संगीत आदि के प्रेमी, गान बजान के बजाने के प्रेमी जो होते हैं वो भी कहाँ रहना पसंद करते हैं? वन में, पर्वत में, उनका मनोभाव। अब पर्वत पर्वत है, वन वन है, वृक्ष वृक्ष ही हैं, लेकिन रजोगुण जिनके जीवन में है, गंधर्व कोटि के ये सब नाचने गाने वाले आदि हैं, उनके जीवन में रजोगुण का ये पोषक हो जाता है। तपस्वी जो होते हैं उनके जीवन में सत्वगुण का पोषक हो जाता है। दस्यु डाका डालने वाले शेर बब्बर ये सब क्या, इनके जीवन में तमोगुण का पोषक हो जाता है। एक ही पदार्थ, एक ही परिस्थिति किसी के सत्वगुण के पोषण में प्रयुक्त और विनियुक्त, किसी के रजोगुण के पोषण में प्रयुक्त और विनियुक्त, किसी के तमोगुण में क्या है कि तमोगुण के पोषण में और प्रयुक्त, इसमें भाव की प्रधानता हुई या पदार्थ की? पूज्य गुरुदेव ने कहा, धर्म सम्राट श्री कटपात्री जी महाभाग ने, मान ली अभी 6 बजा है तो लगभग 7 हुआ होगा, केदारघाट गंगा के तट पर वाराणसी में पूज्य गुरुदेव तख्त पर विराजमान थे, मैं बाल गोपाल के समान नीचे बैठा था। उन्होंने कहा नरक का दर्शन करोगे? मैं चौंक गया, नरक का दर्शन करना हो तो सूर्यास्त के बाद काशी में गंगा तट पर घूम लो, सुरा सुंदरी का तांडव नृत्य वेदनापूर्वक का। इसका भाव क्या है? भविष्य में ये प्रयास करना चाहिए कि जहाँ चाहिए ऋषिनकर वासा तहाँ निशाचर करें निवासा, या कथा गाथा चरितार्थ ना हो, यही है। इसीलिए हमने समुद्र तट पर आरती शुरू की। यहाँ क्या पूज्य गुरुदेव की ही बात हुई ना, नरक का दर्शन करना हो तो सूर्यास्त के बाद गंगा तट पर विहरण करो, सुरा सुंदरी का तांडव नृत्य।
तो मैंने जो विषय उठाया था, विपत्ति के मारे हुए थे पांच देवता, कौन भूल गए आप लोग प्रकरण? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सामान्य नहीं थे। क्या थे ये? पंचभूतों के अधिदैव के अवतार थे। लेकिन बाहर से जो जितनी बड़ी हस्ती होती है उसको विपत्ति भी उतनी बड़ी मिलती है। हम लोगों को चुनौती होती है तो हम समझते हैं हम बलवान हैं, दुर्बल क्यों? दुर्बल को क्या चुनौती मिलेगी? वो तो एक छींक मारने पर समाप्त। भगवान सबसे प्रबल हैं, जब अवतार लेते हैं श्री रामकृष्ण आदि के रूप में तो उन्हीं के बट भगवान के तो सब बेटे होते हैं ना। भगवान तो भगवान ही हैं, जगदीश्वर हैं। लेकिन वहाँ रावण ताल ठोकता है, कोई कभी कौन कंस ताल ठोकता है, कभी कोई वृत्रासुर ताल ठोकता है। तो चुनौती ना हो तो इतिहास की संरचना ही ना हो। तो जीतू जी बैठे थे परसों, तो कुछ बात ऐसी आई कि हम नाम तो नहीं लेते ना, किसी आतंकवादी घूम रहे आचार्य हो के यही तो कहते, नाम तो कभी नहीं लेते। उसका प्रचार हो जाता है। हमने कहा भाई राम जी ने यह प्रयास किया होता कि मेरा प्रचार हो रावण का ना प्रचार हो तो राम जी का प्रचार होता क्या? भगवान श्री कृष्ण ने यह प्रयास किया होता है कि मेरा प्रचार हो, कंस का प्रचार ना हो तो राम कृष्ण भगवान का क्या प्रचार होता? हम उसके प्रचारक नहीं हैं, लेकिन वो तो स्पष्ट ही है क्या? स्पष्ट है ना, राम जी का प्रचार हो और रावण का कोई ना प्रचार ना हो, प्रचार तो दोनों का होगा। अब एक दैवी संपद के अधिनायक के रूप में ख्याति प्राप्त करेंगे, एक आसुरी संपद के अधिनायक के रूप में ख्याति प्राप्त करेंगे, उसके नाम का प्रचार ना हो इससे क्या होगा? इतिहास बनेगा क्या? हम नाम के प्रचारक नहीं हैं। गुप्त रीति से बहुत बढ़िया भागवत में एक उदाहरण है, बैल को पीट रहा था ना धर्म, धर्म और पृथ्वी को ताड़ना दे रहा था, तो उधर से गए, किसने कष्ट दिया? नाम ने लिया। ओ आप धर्म के अवतार हो सकते हैं, भागवत में है ना, आपने अपने यातना देने वाले का भी नाम नहीं बताया, ये दैवी संपत्ति है या नहीं? भागवत के महत्व में आप धर्म ही हो सकते हैं। तो धर्म कहता है जो यातना दे उसका भी नाम मत लो, जो यातना दे उसका भी नाम मत लो, लेकिन बट्टे खाते में उसके नाम का प्रचार हो जाता है। अब एक विचित्र बात है, तपस्या के लिए चल पड़े कौन? हिरण्यकश्यप। कहाँ? मंदराचल, अचल पर्वत, अचला पृथ्वी है, अचल पर्वत है, पर्वत पर इंद्रादि देवताओं को अवसर मिल गया, युद्ध करने का बहुत बड़ा उद्योग उन्होंने प्रारंभ कर दिया। अब नेता ही क्या है इनके पास नहीं है। पिपीलि कैरहिरिव दृष्ट्या लोकोपतापन पापेन पापो भक्षितिवादिनो वासवादय। कल व्याख्या हो गए थे इंद्रादिदेव वासवादय, वासव वासवादय इंद्रादय इंद्रादि आपस में कहने लगे, चीटियां जैसे सांप को चट कर जाती हैं, चीटियां सांप को चट कर जाती हैं। सर्प का दो रूप है, एक सर्प अगर दम तोड़ गया मर गया तो उसके मांस इत्यादि को खाने वाली छोटी छोटी चीटियां होती हैं। और एक विचित्र बात है, सर्प कितना भी भयंकर हो वो क्या करेगा? चीटी पूछ में लग जाए, यहाँ लग जाए, खोपड़ी पर लग जाए तो सर्प क्या करेगा? उसको काटेगा। सर्प मनुष्य के लिए घातक हो सकता है, चीटी के लिए चीटी के लिए क्या करेगा? ऐसा करेगा यहीं पर, चीटियाँ आ गई 25 तो क्या करेगा? क्या करेगा? मैं यहाँ युद्ध देख रहा था, कमरे में तालिक रहा था तो युद्ध हो रहा था, उधर दृष्टि गई ऊपर छत पे, और जो सीमेंटेड घेरा है ना उस पे एक बंदर था, तीन कुत्ते थे नीचे छत पे, वो ऐसे करे तो उनके मुंह की लंबाई, ऐसे करने पर भी बंदर एक बित्ता ऊपर था बैठा हुआ, मुँह करें
हाँ तो बंदर तक तो उनके मुंह पहुंचे नहीं, यूं करके यूं करें कान पकड़ के मारे, यूं यूं कर एक बंदर ने 3 कुत्ते को भगा दिया। तो हम लोग युद्ध की शिक्षा लेते हैं क्या, कल बताया ना आसन की शिक्षा किससे ली, हमारे पूर्वजों ने व्याघ्र से, शेर से, क्या सब से, और किससे, मत्स्य मछली से भी, कछुआ से भी, ये सब। अच्छा मुद्रा भी जीव जंतु वृक्ष इत्यादि के नाम पर हैं या नहीं, सबसे शिक्षा लेनी चाहिए। 3 कुत्ते जो यूं करके यूं करें कान पकड़ कर मारे, यूं यूं करें, एक बंदर ने 3 कुत्तों को भगा दिया। क्यों, अपने सुरक्षित स्थान पर वो था। बंदर जब कुत्ते से युद्ध करते हैं तो कैसे करते हैं मालूम है, बंदर पहले देखते हैं कि जमीन पर तो ये हमको खा जाएंगे, थोड़ा अपना आश्रय ले लेते हैं, वो कूद सकते हैं, उछल सकते हैं, शाखा मृग हैं। अब वहाँ जाकर को फिर वो यूं यूं करेगा, जब बोलना बंद कर यूं करेगा तो कान पकड़ के भी खोपड़ी हिला के गर्दन हिला देते वो, ऐसे युद्ध की सीमा होती है। एक बहुत विचित्र बात है, मैं वृंदावन में था, दावा नलकुंड में मीठा जल है, वहीं एक कुआं भी मीठा जल, बाकी सब खारे होते थे। वहाँ कभी मैं सुबह जाता एक बाल्टी पानी भरने अपने पीने के लिए, कभी दोपहर में, कभी शाम को। और दीवाल के इधर जेके में भी एक मीठा कुआं था, लेकिन मैं वहाँ जाता दोपहर में, जाता कभी शिक्षा लेने के लिए, तो क्या होता, एक वट का वृक्ष था, तो लोग जो पानी भरते थे, कोई आकर के बाल्टी से पानी भर के कुएं से नहाते थे, तो गीलेपन के कारण करदम कीचड़ जैसा चबूतरे के बाहर था। तो दोपहर में मैं देखता कि 3-4 कुत्ते, 5-7 बंदर गर्मी के कारण संतप्त होकर वट की छाया में शीतल जगह पर होते। कुत्ते बंदर को देखकर मुस्कुराते, बंदर कुत्ते को देख के मुस्कुराते, मैं शिक्षा लेता। उसके बाद मैं कभी जाता पानी भरने, उस समय जब वो 4-4:30 बज जाए, तब फिर वो क्या हो जाते, कुत्ता कुत्ता हो जाते, बंदर बंदर हो जाते, और एक ही समस्या के मारे हुए, विपत्ति के मारे जब दोनों होते गर्मी में, ये बस इतनी इतनी दूरी पर 5-7 बंदर बैठे हैं, 5-7 कुत्ते बैठे हैं, सब अपने मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखते हुए सो रहे हैं, कोई किसी पर आघात नहीं करता। जो ही दिन ढलने के होते, बंदर बंदर हो जाते, कुत्ते कुत्ते हो जाते। ये भी युद्ध की विद्या है नहीं, युद्ध की कला सीखनी हो तो किससे सीखें, किससे, जीव जंतुओं से सीखें ये युद्ध की कला। तो यहाँ पर भी देखा, मंदराचल पर चले गए, कौन चले गए, तप करने हिरण्यकश्यपु, तो देवताओं को अवसर मिल गया, बहुत बड़ा। तो सर्प का नाम दिया, जब सर्प क्या करेगा, कितना भी बलवान होगा चींटियों को थोड़े खा सकेगा, वहाँ थोड़े उसकी, इसीलिए कहीं सब जगह बल के बल पर ही काम नहीं बनता। बहुत बढ़िया क्या है, छांदोग्य श्रुति का 7वां अध्याय, कभी बुद्धि से बल प्रबल, कभी बल से बुद्धि प्रबल, लिखा है कि एक विद्वान है, मेधावी है, 4 लठई तो आ जाए बेचारा यूँ हो जाए। इसलिए बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, छांदोग्य श्रुति के 7वें अध्याय में, क्या बुद्धि से बल को श्रेष्ठ माना, उदाहरण दिया शंकराचार्य ने, क्या एक बुद्धिमान हो 4 लठई तो आ जाए सब वो, हाँ बस चुप सबके सब। फिर क्या है, इसलिए हनुमान जी का नाम क्या है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, बल भी होना चाहिए, बुद्धि भी होनी चाहिए, जब दोनों होंगे, प्रज्ञा शक्ति भी पुष्ट है, प्राण शक्ति भी पुष्ट है, तब व्यक्ति पराक्रमी होगा, नहीं तो भरद्वाज महर्षि के समान आलसी होगा। नींद का की जगह ढूंढता रहेगा, यहाँ सो जाऊँ, यहाँ सो जाऊँ, यहाँ सो जाऊँ। बड़े लाड़ प्यार में गोद में पड़े हुए बच्चे हैं, बढ़िया। हमने कहा ना, विपत्ति भी संपत्ति हो जाती है। दोनों भाई पढ़ते थे, लिखते थे, अपनी जीविका का मार्ग, घर के पोषण का मार्ग निकालते थे, घर में एक ही में था, उन दोनों का भी विवाह नहीं हुआ था,
घर की सारी जिम्मेवारी मेरे पास थी। अवस्था 10 साल की, बाग से बांस काट के लाता, लकड़ी तोड़ के लाता, बाजार से सौदा लाता, पर्दा प्रथा, माताएं जो घर में थी वो घूंघट की प्रथा थी, बाजार जाता, सब प्रकार की व्यवस्था करता। तो विपत्ति भी संपत्ति हो गई, क्या हो गई, व्यवस्था में भी दक्ष, व्यवस्था में भी दक्ष, कुश्ती लड़ते समय कुश्ती लड़ता, गेंद खेलते समय गेंद खेलता, पढ़ने में भी सबसे आगे रहता। तो क्या अर्थ है, बल बुद्धि विद्या देह हुई, प्रज्ञा शक्ति भी प्रबल होनी चाहिए और प्राण शक्ति भी प्रबल होनी चाहिए, बल और बुद्धि। हनुमान जी में क्या क्षमता है, प्रज्ञा शक्ति भी प्रबल है और प्राण शक्ति भी प्रबल है, इसीलिए कहा। अब जो तप करने चले गए, जब तप करके आएगा तो हमारे लिए घातक होगा, तप एक दिन में तो पूरा होता नहीं। हाँ, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज कथा बना भी लेते थे, कहते थे मेरे एक शिष्य गायत्री का पुरस्करण करने चले, ऐसा हो, सामने दर्पण आईना बहुत बड़े रख लिया, एक बार गायत्री मंत्र जप करें कितना तेज हुआ, फिर एक बार कर कितना तेज बढ़ा। इसी प्रकार से दूध गर्म करके जामन अम्ल इत्यादि कम डालते हैं ना, उसका नाम कहते जमाने वाला, दूध को जमाने वाला जामन, मैथिली में बोलते जामन डाला। अब कोई व्यक्ति देखे कि दही हुआ या नहीं, दही दही कभी दूध दही का रूप धारण करेगा। इसी प्रकार स्वामी खंडराज महाराज कहते एक बार गायत्री मंत्र जपें यूँ, फिर देखें कितना तेज बढ़ा, कितना तेज बढ़ा। अरे तप करने गया है तो बस उस समय के 50 वर्ष 100 वर्ष आजकल के, इसका मतलब आप 50 वर्षों के लिए निश्चिंत हो गए। अब इनके जो दूत भूत हैं इनको सताने का, कष्ट देने का, उत्प्रेरित करने का हमको अच्छा अवसर मिल गया। किसी की तपस्या भी आश्रितों की दुर्बलता में हेतु है। योग वासिष्ठ, ये लो योग वासिष्ठ हो गया। ना ये तुम अच्छे हो, पवित्रता का बड़ा ध्यान है, ये आरा जिला की पवित्रता है। हमने क्या कहा, हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिया भगवान ने, किसने, नृसिंह ने, अभिषेक कर दिया किसका, भक्ता प्रवर प्रहलाद का, योग वासिष्ठ प्रहलाद का अभिषेक कर दिया, प्रहलाद ने समाधि लगा ली। प्रहलाद की समाधि कितने में झांझ मजीरे शंख बजाओ टूटने वाली नहीं, प्रहलाद की समाधि थी, रामदेव बाबा की समाधि थोड़े थी। और रामदेव बाबा जी समाधिस्थ हैं, एक व्यापारी आ गए, अच्छा ठेके का अच्छा अवसर है। अच्छा तो बुलाओ भाई। रामदेव बाबा सुन रहे होंगे, सुनते हैं। और रामदेव बाबा की समाधि थोड़े थी कि हाँ बस ब्याज का नंबर आया नहीं, समाधि गई अपनी जगह। और रामदेव बाबा की समाधि नहीं, प्रहलाद की, बहुत अच्छे हैं रामदेव बाबा, क्योंकि हम कहते डांटते रहते हैं, फिर एकांत में कहते डांटना हो तो एकांत में डांट दीजिए महाराज, सभा में मत डांट दीजिए, अच्छे हैं, बहुत आस्तिक हैं, श्रद्धा रखते हैं। तो क्या हुआ, वो चले गए कहाँ पर, समाधि लगाने नहीं, तपस्या करने, तपस्या करने गए तो एक दिन में सिद्धि तो नहीं मिलेगी, तब तक ये सब के सब निश्चिंत हो गए। इस बीच में ही हम जितना बन सके दैत्य दानव आदि को रौंदने में समर्थ हो सकते हैं, इसीलिए कहा। बहुत अच्छा उदाहरण दिया, चींटियां सांप को चट कर जाती हैं, सांप अगर मुर्दा हो तब तो चींटियों को कोई खतरा ही नहीं, जीवित भी हो तो यहाँ से लेकर वहाँ तक सब जगह सैकड़ों चींटी लग जाए तो सांप अकेले इतना खूंखार होने पर भी, मनुष्य इत्यादि के लिए घातक होने पर भी उन चींटियों के लिए घातक सिद्ध नहीं हो पाता। तो युद्ध की विद्या है, कोई अत्यंत प्रबल है लेकिन वो दुर्बल कहाँ, दुर्बल उसको दुर्बल बनाने के लिए कौन से हथियार की आवश्यकता है,
एक और बहुत बढ़िया, सुरसरी बहे गज भारी, सफरी सन्मुख जल प्रवाह सुरसरी बहे गज भारी, जो जही कला कुशलता कांसोई सुलभ सदा सुखकारी, सफरी सन्मुख जल प्रवाह सुरसरी बहे गज भारी। लो 50 वर्ष पहले याद किया होगा विनय पत्रिका। जो जही कला कुशलता कांसोई सुखद सदा सुखकारी, सफरी सन्मुख जल प्रवाह सुरसरी बहे गज भारी। गज माने हाथी, मत्त गजेंद्र पृथ्वी पर। देवियों के चाल की उपमा पहले किससे दी जाती थी? हम सगमन तुम नहीं बन योगो, गजगामिनी। हाथी की चाल बहुत मस्तानी होती है, गजगामिनी, हंस गामिनी। हंस गमनी तुम नहीं बन योगो, हंस के समान और घोड़े के समान कोई देवी चले उसके चाल की प्रशंसा होगी ना? रेस कर लो, कुछ भी कर लो, तुम्हारी प्रशंसा नहीं हो सकती। आजकल बुरा न मानो, ये कुमारी कन्या दौड़ती हैं, आधुनिक विज्ञान कहता है गर्भाशय उनका विकृत हो जाता और तैरती हैं। जो तैराकी हैं देवियां कुमारी कन्या, विवाह होने पर उनके बंध्यात्व के कारण उन्हें संतान नहीं प्राप्त हो पाती। तो ये कोई द्वेष की बात नहीं थी, मनोविज्ञान। देवियों के लिए दौड़ना तैरना ये सब गर्भाशय के लिए शत्रु घातक। तो शील की, सौंदर्य की, स्वास्थ्य की रक्षा हो सके इस दृष्टि से जो विधि निषेध को महर्षियों ने ख्यापित किया, उसको लोगों ने द्वेष मूलक राग मूलक मान लिया। लेकिन ऋषियों के द्वारा जो उद्भाषित विधि निषेध है, कोरेना ने सबका समर्थन कर दिया। अरे औरों की बात क्या, अपने नाक से भी हर समय यूं यूं नाक में उंगली मत डालो, आँख मीचते मत रहो, कान के मैल नीचे के हाथ मत डालो, कोरेना। अपने शरीर के भी अमुक अंग प्रत्यंग से परहेज करो, समय पर ही छूना हो छुओ, उसके बाद भी स्वच्छ मिट्टी आदि से हाथ धो लो। मैं मुल्तानी मिट्टी से हाथ धोता हूँ, क्यों? एक तो बढ़िया पवित्र थोड़े में काम चल जाए, फिर मुल्तान भारत में मिलाना है, एक काम दो काम, स्वच्छ शुद्धि भी बन जाती है, कम मिट्टी में काम भी चल जाता है, ध्यान भी रहता है कि भारत को अखंड करना है। तो हमने क्या संकेत किया, वन की ओर चले गए। वो जो मनोविज्ञान हमने कहा था, सात्विक राजस तामस तीनों के आकर्षण के केंद्र होते हैं। वाल्मीकि रामायण महाभारत पुराणों को पढ़िए, ये सब पर्वत पर्वत ही, सागर सागर ही, वन वन ही, लेकिन ये सब के सब गंधर्व रजोगुणियों के भी आकर्षक होते हैं, तमोगुणियों के भी आकर्षक होते हैं, सात्विक व्यक्तियों के भी आकर्षक होते हैं। अब इसमें किसके जीवन में सत्व गुण का उद्रेक कर दें, किसके जीवन में रजोगुण का उद्रेक हो, किसके जीवन में तमोगुण का उद्रेक हो, किस पर निर्भर करता है? भाव पर। सात्विक व्यक्ति होगा तो सत्वगुण को ही खींचेगा, उसके सत्वगुण को ही परिपुष्ट करेंगे। राजस व्यक्ति होगा, भावना में रजोगुण की प्रगल्भता की भावना होगी तो रजोगुण को ये पुष्ट कर देंगे। और क्या है, तामस तमोगुणी भाव होगा तो, तामस भाव होगा तो ये तमोगुण को पुष्ट कर देते। भावना का बहुत बड़ा महत्व है। एक ही पदार्थ जो है किसी के सत्वगुण का पोषक बन जाता है, किसी के रजोगुण का पोषक बन जाता है, किसी के तमोगुण का पोषक बन जाता है। ये सब कथा इतने विस्तार पूर्वक क्यों कहते हैं? मुझे सप्ताह तो कहने नहीं कि 7 दिन में पूरी कर दो। दूसरी बात है कि दर्शन विज्ञान, विज्ञान में भी मनोविज्ञान भी है और विज्ञान भी है, पदार्थ विज्ञान, मनोविज्ञान और व्यवहार, ये सब जो इन ग्रंथों में छिपे हुए तथ्य हैं, भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध, ये तो अध्यात्म के विषय हैं। खास मुख्य विषय कौन है अध्यात्म के? भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध। 50 साल से लगभग हमने एक मन में भाव रखा है, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावायो पपद्यते, भगवद्गीता 13वां अध्याय।
यह श्लोक पूरे अध्यात्म के जो तत्व हैं उनको बताने में समर्थ है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम सोक्तम समासतः। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम, ज्ञेयम को थोड़ी देर के लिए क्षेत्रज्ञ मान लें, सोक्तम समासतः बस आध्यात्मिक कोई ग्रंथ ले लें उसमें विषय कौन होंगे। क्षेत्र विज्ञान मदभक्त एतद विज्ञाय, विज्ञाय विज्ञान से विज्ञाय बनेगा, क्षेत्र विज्ञान होगा यानी क्षेत्र माने अनात्मा प्रपंच, क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है जी। सांख्यवादियों से पूछ दें, वेदांतियों से पूछ दें कि क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकञ्च पंचचेन्द्रिय गोचराः, 24 तत्व हो गए। इच्छा द्वेष अवान्तर वो तत्व में परिगणित नहीं है। 24 तत्वों का नाम ले लिया 13वें अध्याय। क्षेत्र का क्षेत्रफल नहीं पता है तो क्षेत्र पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते, वो क्षेत्रज्ञ कहलाने योग्य सिद्ध नहीं हो सकते, क्षेत्र की दासता से मुक्त नहीं हो सकते। इति क्षेत्रम इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अब क्षेत्र की व्याख्या, इदम शरीरम कहा, शरीरम कहने पर यह तो कार्य है तारतम्य संघात है न पंचभूतों का। शरीर को कहाँ ले गए जी, सर्वेश्वर क्या नाम है, सुरेश्वर सुरेश जी, प्रकृति पर। शरीर का मूल कौन है, प्रकृति। लेकिन शरीर के जो उपादान हैं उनके कितने भेद हैं, 24। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव अष्टधा प्रकृति, इंद्रियां दशैकंच पंचचेंद्रिय गोचरा षोडश विकृति। क्षेत्र का क्षेत्रफल, लेकिन मूल क्षेत्र कौन है, प्रकृति। पहले क्षेत्र से शुरू किया 13वां अध्याय गीता, बाद में क्या कहा, प्रकृतिम पुरुषं चैव, क्षेत्र को ले गए प्रकृति पर। मूल क्षेत्र कौन है, प्रकृति, और क्षेत्र को कहाँ ले गए, पुरुष पर। एक जीववाद हो गया नहीं, मूलक प्रकृति ही तो मूलक क्षेत्र है ना, तो क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना हो गया, 24। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकञ्च पंचचेन्द्रिय गोचराः, तो हमने संकेत किया ये शास्त्रों की। अब प्रकृति को ही जो क्षेत्र मान लेगा और अपने को पुरुष क्षेत्रज्ञ पुरुष मान लेगा, वो उसके जीवन में कितना बल और वेग होगा। मैं खोल के क्यों कह रहा हूँ, 13वां अध्याय गीता पढ़ ले और टीवी का मरीज रहता एक छींक मारे तो घर में घुस जाए। मैं वेदांती हूँ भाई, पढ़ना हो पढ़ो, भले आदमी वेदांती हो तुम, तुम्हारे सामने अगर 1 अरब आतंकवादी आ जाएं तो भी डरते हो, तो फिर क्या हुआ, तुम वेदांती कैसे हो गए। जीवन में प्रयोग भी होना चाहिए ना। तो मैंने क्या संकेत किया, इति क्षेत्रम आध्यात्मिक ग्रंथ में 3 विषय होते हैं, कौन पहला कौन, क्षेत्र माने अचित पदार्थ का निरूपण होगा या नहीं। क्षेत्र का क्षेत्रफल नहीं जानेंगे तो क्षेत्रज्ञ अपने को कहते रहिए क्या, बलवान कैसे होंगे। क्षेत्र का क्षेत्रफल कहाँ तक है, तारतम्य संघार, शरीर तो मूल में तत्व है ही नहीं। एक विचित्र बात है, एक बार मैंने कहा तो जज स्वामी मुग्ध हो गए थे, बहुत प्रसन्न हुए। शरीर को भले ही कोई आत्मा मान ले, चार्वाक इत्यादि, तत्व कोई नहीं मानता। जो तत्व नहीं है वो आत्मा कैसे हो सकता। चार्वाक भी पृथ्वी जल तेज वायु भूत चतुष्टय को तत्व मानते हैं या शरीर को, संघात ही मानते हैं ना, संघातश्चेतनाधृति संघात, शरीर संघात है, पंचभूतों का तारतम्य संघात है। शरीर को आत्मा मानने वाले भी शरीर को तत्व नहीं मानते। तत्व तो फिर उपादान कारण पृथ्वी जल तेज वायु को ही कम्युनिस्ट भी मानते हैं, कम्युनिज्म की धारा में बहने वाले भी मानते हैं। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम, ज्ञानम के वही व्याख्या बाद में करेंगे। ज्ञेयम चोक्तम ज्ञेयम माने ज्ञेयम यत्त प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते अनादिमत परम ब्रह्मन सत्तन्ना सदुच्यते। ज्ञेय का अर्थ क्या हुआ, क्षेत्रज्ञ आत्मा, ये ज्ञेय जानने योग्य। ज्ञेयम यत्त प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते,
ज्ञान, ये एक अर्थ हो गया आत्मा, और ज्ञान का हो गया अर्थ क्या, ज्ञान बीच में है, अमानित्वम अदम्भित्वम, ये सब क्या है ज्ञान। ज्ञान का अर्थ क्या हुआ, ज्ञान का अर्थ हुआ कि क्षेत्र से विरक्त करके और क्षेत्रज्ञ में इतना बल और वेग का आधान कर दे कि क्षेत्रज्ञ बुद्धि का लंबन लेकर समस्त अनात्म पदार्थों से अतिक्रांत जो आत्मा है उसी को अपना स्वरूप समझे। भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध का नाम हो गया ज्ञान माने साधन। तीन का ही निरूपण अध्यात्म जगत में होता है, तीनों में जो निपुण हो गया वो क्या हो गया, अध्यात्मनिष्ठ हो गया। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः सन 72 में गीता पर विचार करते समय यह भाव वृंदावन में आया था। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मदभक्त एतद् विज्ञाय मदभावायोपपद्यते। क्षेत्र का ज्ञान क्षेत्रज्ञ, ज्ञेय माने क्षेत्रज्ञ का ज्ञान, और क्षेत्र से विरक्त करके क्षेत्रज्ञ में अनुरक्त करने वाला और क्षेत्रज्ञ को सर्वात्म भाव से भावित करने वाला जो ज्ञान है वो यहाँ कहा। तो चींटियाँ पिपीलिका छोटी होती हैं लेकिन वो क्या करती हैं, मरे हुए सर्प को खा लेती हैं। जीवित सर्प भी हमारे लिए काल हो सकता है, उन चींटियों के लिए काल क्या होगा, चींटियाँ उसके यहाँ 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 लग जाएँ, चारों ओर से घेर लें, तो छोटी छोटी चींटियाँ पिपीलिका भी सर्प की गति को अवरुद्ध करने में समर्थ है। कल मैंने उदाहरण दिया था, उसको फिर प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है, समय हो रहा है। जैसे चींटियाँ सांप को चट कर जाती हैं, वैसे लोगों को सताने वाले पापी हिरण्यकश्यप को उसका पाप ही खा गया। खा गया का मतलब विचित्र बात है, अभी खा नहीं गया, वो तो पाप है, वो तो और बलवान होने के लिए गया है। लेकिन मानो जब तक वो तप करेगा, तप करके ब्रह्मा जी या जिसकी आराधना करेगा उनसे शक्ति प्राप्त करेगा, तब तक हमारे लिए मानो मर ही गया क्या, तब तक वो मानो हमारे लिए मर ही गया। तब तक हम अपने आप को अपना बलवान बना लें तो उनके दूत भूतों के कचूमर निकाल दें। नारायण।